यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो मैं सीए भंवर बोराना, बहुत सारे लोग बीबी के नाम से जानते हैं। तो मैं बता दूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपके इंटरमीडिएट का एक पेपर, पेपर नंबर 4, टैक्सेशन। बीकॉम नहीं बोला यार, बीकॉम भी पास हुआ यार, यार सेड़ी यार, बीकॉम भी यार, बीकॉम पास हुआ यार। मैं हूं मनमोजी। फ्रेंड्स, मैं एक्सपर्टीज रखता हूं इनडायरेक्ट टैक्स में, स्पेशली जीएसटी एंड कस्टम्स। फॉर इंटरमीडिएट ऑब्वियसली सिलेबस है जीएसटी का। माय नेम इज लखन। स्वागत है मेरे जुगनू और जुगनियों, मैं हूं सीए चेतन मंत्री। आपके लिए लेके आया हूं सीए का बिल्कुल कोर सब्जेक्ट, और पढ़ना तो पड़ेगा भाई, 16 साल से पढ़ा रहा हूं। खास बात, बच्चे पास हो रहे हैं, आप भी पास हो गए। लखन, माय नेम इज लखन। कैसे हैं दोस्तों, एकदम झमाझम। 20 डेज प्लेज में जो मोमेंटम हमने बनाया था, उस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सीए इंटर में एकदम झमाझम कुछ करने वाले हैं। मैं आपके 3 सब्जेक्ट्स, 300 मार्क्स और तीनों प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स और कॉस्ट लेकर आ रहा हूं। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। हाँ, इन 300 मार्क्स में मैं आपको 225 से 250 मार्क्स की कमिटमेंट लेकर जा रहा हूँ। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा वचन ये मेरा शासन। लखन, माय नेम इज लखन। 10 या 11 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। अपन कॉन्सेप्ट की तरफ तोड़ ध्यान देते भाई, और 2015 तक अपन ऑल टुगेदर 40,000 स्टूडेंट क्रॉस कर चुके थे, फेस टू फेस बैचेस प्लस और वर्चुअल मोड, ये दोनों मोड से 40,000 प्लस स्टूडेंट्स अपने क्लोज हो चुके थे। रिजल्ट्स में तो, रिजल्ट्स में ऐसा है, AIR 1 दो बार आ चुके हैं, AIR 1 CA फाइनल के लिए, CA इंटर में AIR 1 दो बार आ चुका है, और मल्टीपल रैंक्स रह चुके हैं। इट्स मोर देन आई डू थिंक, अगर मैं काउंट करता हूँ वापस 2015 तक, मैंने काउंट करते रहा क्योंकि तब तक ऐसा लगता था कि ये काउंटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2015 के बाद समझ गया कि ये काउंटिंग करते रहूंगा तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो 2015 के बाद बंद कर चुका। लेकिन 2015 तक अपने ऑल टुगेदर नियर अबाउट रैंक्स की लिस्ट देखे तो अप्रॉक्सीमेटली 200-250 की रेंज के रैंक्स थे, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट फॉर फाइनल एंड इंटर के भी वही ऑल टुगेदर सिमिलर वे पे रैंक्स थे। लेकिन सबसे बड़ी बात या सबसे खास बात है, जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं या जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के अंदर एग्जम्पशन, एग्जम्पशन की बात करें तो जो 60 प्लस लाता है बच्चा, ऑल टुगेदर एवरी अटेम्प्ट में इट वाज मोर देन 500 प्लस। लखन, माय नेम इज लखन। हम सीखेंगे जीएसटी, हम पढ़ेंगे जीएसटी और हम जिएंगे जीएसटी। और हाँ, यही मेरी लाइफ है, क्योंकि पिछले 11 साल से मैंने एक ही काम किया, इनडायरेक्ट टैक्स। पहले था एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, जो अब मर्ज होकर बन गया है जीएसटी। पिछले 11 साल से यही मेरा सच्चा प्यार है जो मैं आपके ऊपर लुटाने आया हूँ। वैसे मेहनत तो आप लोग भी बहुत करते हो, हमने भी बहुत करी है, और जब आपकी और हमारी मेहनत मिलती है उस सिनर्जी से एक AIR 1 भी आया और मोर देन 100 ऑल इंडिया रैंक्स वी हैव स्कोर्ड। पर हाँ, नो डाउट मेहनत आपकी थी, डायरेक्शन हमारा था, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। पिछले 11 सालों का ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। लखन, माय नेम इज लखन। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, आप लोगों के लिए सीए इंटर का एक जो थ्योरेटिकल पेपर है, जी हाँ, जो सीए स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं एक माइंडसेट लेके आता है कि यार थ्योरी पेपर हमारे लिए एक बोरिंग पेपर होने वाला है, बट नहीं, जिस पेपर का नाम है लखन, माय नेम इज लखन। और अगर सीए करियर के बारे में बात करूं ऑफ टीचिंग, तो लगातार 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दी है NCS, और CA में भी पिछले ही अटेम्प्ट में लगातार 4 ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं। सो दिस इज द शॉर्ट सक्सेस बहुत सारे टर्न्स और टर्मोइल्स के बीच में। सो मालिक, अब मैं मूड में आ चुका हूं, तो मैं सोचा एक पॉइंट बता के जाता कि सब्जेक्ट जो है वो टेक्निकल है, ठीक है, ऐसी सबकी मान्यता है, उस मान्यता को हम पूरी वाट लगाएंगे, और ये सब्जेक्ट को आपको मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है, सिस्टम्स के रोल है। और वो सिस्टम क्या है, एक चीज एकदम क्लियर रखिए, आप, मैं, इधर जितने जन बैठे हैं सब जन सिस्टम से इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट्स इट। यानी अल्टीमेटली आप ये दिमाग में रख लेना, अगर आपको किसी ने बोला कि EIS और SM IT है, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का रोल रहेगा, लेकिन टेक्निकल पेपर नहीं है मेरे मालिक, ये पेपर बहुत ही जोरदार है, और बॉस
ये मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ही आसान पेपर है। तो एक चीज खाली क्लियर करनी थी कि वी आर नॉट स्टडिंग टेक्नोलॉजी, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट कोडर, प्लीज मेक इट क्लियर। सो यू आर स्टडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम नॉट टेक्नोलॉजी, इज दैट पॉइंट क्लियर? तोड़ लखन, माय नेम इज लखन।